मेरे प्यारे मित्र, नमस्ते। मास्टर हाइडियन एमसी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है, आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस बेसिस के ऊपर करने वाले हैं। और ड्यू टू ये सब जो ऑड इवेंट का चमेला, तो निकलना तो वैसे भी बनता नहीं है, और ऊपर से घर वाले भी मना करते हैं, नहीं मत निकल, ऐसा है वैसा है। और अभी कॉपी का बाप आया है डेल्टा, उसके बाद उसकी माँ, उसकी बीवी सब निकलते जाएंगे, तो उसको मारते हैं हम लोग गोली। मतलब गन नहीं है मेरे पास, पर तभी छोड़िए उसको। तो आज का कॉन्टेंट अपने एक्शन कैमरे के ऊपर बनाएंगे, एक छोटा सा ब्लॉग है, उसके साथ अपने एक्शन कैमरा रिलेटेड अपने कुछ रिव्यूज भी शेयर करेंगे, जो मुझे उसके प्रोस कॉन्स भी आपको मैं शेयर करूंगा, और कुछ शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो फिर से लाइक हेलमेट के साथ कैमरा सेट करके आप लोगों को कुछ व्लॉग ऐसे तो नहीं दिखा सकता, पर जितने घर से मैं जो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये एक्शन कैमरा जिसका आज हम रिव्यू की बात करेंगे, ये एक्समेट स्टंट प्रो 4K 30 FPS में शूट करता है। इस कैमरे का जो प्राइस है वो है लगभग आपका 13,000 बॉक्स पे लिखा है, मैं आपको बॉक्स भी बाद पे दिखाऊंगा, और इसके क्या है क्या नहीं है मैं आपको सब कुछ इस पे इस वीडियो पे क्लियर बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा कैमरा, इसको हम साइड पे करते हैं, थोड़ा सा पत्थर को भी साइड करते हैं। उसके बाद आता है ये आपका वाटरप्रूफ केसिंग, ये 40 मीटर तक आपका सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो ये कैमरा के साथ आता है आपका, तो इसको भी साइड पे रखते हैं। ये कुछ एक्सेसरीज है, इसको मैंने यूज़ किया था तो इसको मैंने अभी खोल के रखा है। उसके बाद ये अभी धूल मिट्टी से जमा हुआ है, पर इसका मुझे कैमरा लेंस साफ़ करने के लिए मुझे काम आता है। मैं कैमरा मेरा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है तो माफ़ करिएगा। ये है बॉक्स, उसका बॉक्स ऐसे कोई दिखाता नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्समेट स्टंट प्रो का बॉक्स है। और जो मुझे इसका प्राइस गिरा, मैं आप लोगों को इधर पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो 13,000 ऐसा कुछ दिखा रहा है, बट मैंने इसको परचेस किया 8,000 से, वो भी अमेज़न से। और इसमें आपको इधर में क्या देखने को मिलेगा मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा। तो जो और सामान मुझे इसके साथ मिले हैं, कैमरा के लिए माफ़ करिए, ये सेट है, जो सामान है इस पर। ये कुछ एसेसरीज है, ये मैं अपने बाइक पे जब लगाता हूँ तो ये एसेसरीज लगाता हूँ, तो मैंने उसको हम ऐसे लगा के रखा है कि मुझे दिक्कत ना हो। उसके बाद ये मुझे पता नहीं है भाई, ये तो पता है ये एक स्ट्रिप जैसा है, मैं इसको खोलूँगा नहीं अभी, ऐसे पैकेट के भीतर ही आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो ये और एक क्लॉट है आपको अच्छा मतलब साफ़ करने के लिए, दो मिलते हैं। तो ये कुछ टेप वगैरह है, आप लगा सकते हो अगर आपका कोई, देखिए अभी मेरा जो ये जो दिक्कत है इसमें टेप नहीं है, तो मैं इसका टेप भी यूज़ करता हूँ, ये एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है सभी एक्शन कैमरा के साथ। उसके बाद ये आपको मिलता है लाइक एक छोटा सा, आपको एक इजी होता है इससे ये कैमरा, ये आप फ़ोटो खींच सकते हो, और इसी से आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। आप जैसे हम लोग घर ही पहनते हैं ना, आप उसको ऐसा यूज़ करते हो, इजी होगा, मतलब फिर से आपको कैमरा बंद करो, वो नहीं करो, ये नहीं, और अंदर से आगे से बैटरी दिया रहता है, पर मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता हूँ। सब कुछ निकाल ही देता हूँ, वही अच्छा है। ये आपका कुछ सेफ्टी केस, मतलब सोच लीजिए कि ये टूट गया तो हम इसके भीतर एक सेफ्टी केस जब हमको दिखा दूँ तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। भाई ये एक्चुअल वाटरप्रूफ केस है, मैं सोचा ये टूटा हुआ है। तो ये कुछ बटन वगैरह है, और ये एक्समेट से जो स्कैन करके हम लोग देख सकते हैं, एक्समेट से लॉजिंग आप लोग देख लो, मैं ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पैर से कैमरा को अटैच कर रहा हूँ। ये कुछ बेल्ट वगैरह है इसके साथ अटैच करने के लिए, और कुछ एसेसरीज है, सोच लिया आपको अपने बाइक पे हैंडल पे लगाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ माउंट्स है, कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है ये भी दिखा दें। तो गाइस, इसका जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं आपको अभी सब क्लियर करूँगा, पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से आपको ऐसा आता है, तो सच बताओ तो मुझे ये कैमरा मैंने जब ख़रीदा मुझे अच्छा लगा,
ऐसे आपको क्वालिटी वगैरह भी दिखाएंगे। इस पर एक्सटर्नल माइक अभी है नहीं, पहले स्पेसिफिकेशन पे क्या नहीं है क्या है सब वो क्लियर करके बताएंगे। तो इधर पे देखिए माइक्रोफोन ऑन ऑन है अभी, आप उसको माइक को ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। इधर पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखाएगा ये, और आपको बता दूँ ये 120 मिनट्स तक कॉन्सटेंटली रिकॉर्ड कर सकता है। इसका 1350 mAh का बैटरी मिलता है, एक ही बैटरी मिलता है, वही दिक्कत है सेटिंग से। अभी जो मैं अपने जो व्लॉग्स वगैरह रिजोल्यूशन करता हूँ वो 1080 30 FPS है, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। इधर पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं भी नॉर्मल वीडियो पे करके रखा है क्योंकि फोटो में करने से कभी फ़ोटो ऑन हो जाता है तो पता नहीं कभी कभी उल्टा गलत भी हो जाता है। तो इधर पे नॉर्मल वीडियो है, इधर पे लैप्स वीडियो, आप वीडियो लैप्स कर सकते हो, उसके बाद लैप्स ले सकते हो, स्लो मोशन ऑप्शन है, नॉर्मल फ़ोटो है, आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हो, ऑटो फोटो है, उसके बाद आपका टाइमिंग फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हो, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के सामने। उसके बाद आपका इधर में कार लूप है, आप अगर आप गाड़ी में भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, वीडियो प्लस फ़ोटो आप दोनों एक साथ कर सकते हो, बस्ट फोटो है। और उसके बाद इधर में मैंने SD कार्ड लगा नहीं है, मैं SD कार्ड लगा के आपके शॉर्ट्स वगैरह भी दिखाऊंगा। उसके बाद ओके मुझे इस पे जाके चेंज करना होगा, मैं बहुत दिन चला नहीं तो वो दिक्कत है। उसके बाद ये सेटिंग्स, मैं सेटिंग्स पे गया, आप रिजोल्यूशन कोई भी सेट कर सकते हो। इधर पे आपको 1080 30 FPS मिलेगा, 60 FPS, उसके बाद 1440p विथ 30 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग 2.7K एट 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो, और 4K 30 FPS पे भी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो सेगमेंट है, मैंने इसको ऑटो में रखा है, आपको जिस वीडियो सेगमेंट जैसे रखना है आप रख सकते हो। उसके बाद आपका ये मैंने वाइड 170 करके रखा है, अच्छा है रिजोल्यूशन के लिए। इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें ऑप्शन है, EIS जो बोलते हैं हम लोग, इमेज स्टेबलाइजेशन, वो भी एक बजटली कैमरा। अगर आपका बजट सोच लीजिए 8000 है तो आपको ये अधिक अच्छा कैमरा मिलेगा। और आपको और एक बात बताऊँ, अभी इसका कैमरा का प्राइस बहुत ही कम गया, अगर आप अमेज़न से बाय करते हो आपको 5000 के अधिक मिल जाएगा। मैं अमेज़न पे इसका लिंक भी दे दूंगा, उसमें आपको LDC कुछ मिलेगा जो मैंने ऑफ करके रखा है। इधर में ऑडियो का ऑप्शन है, आप इसको बंद करते रहते हो तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसे करने से ऑडियो रिकॉर्ड होगा। वीडियो एन्कोडर मैंने H.264 पे रखा है, उसके बाद एक्सपोज 0 करके रखा है, AWB ऑटो है, मीटर मोड एवरेज पे रखा है मैंने। और बस ऐसे मुझे ये कैमरा अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हो, मैं आपको घुमाने की कोशिश करता हूँ, और आपको जो बैटरी है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये है उसका जो रिकॉर्ड करने का जो स्विच है, ये होगा, अभी SD कार्ड नहीं है तो ऐसा शो कर रहा है। उसके बाद इसका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम जूम, जूम अप जूम डाउन, उसके बाद इधर से आपको SD कार्ड एंटर होता है। उसके बाद ये अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ ट्रांसफर वगैरह करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो, इधर से चार्ज लेता है। और मैं आपको इसका बैटरी भी दिखा देता हूँ, चलिए। सोच इसके साथ वो हाउसिंग नहीं आता है, मतलब जो GoPros वगैरह पे आता है कि आप लोगों को लाइक वाटर केसिंग नहीं लगाना है, ऐसे उसको लगा के चलना है, तो वो भी आप कर सकते हो। पर इधर में कुछ नॉट बोल्ट्स वगैरह मिलते हैं, मैं इधर पे दिखा दूँ, होना तो चाहिए, नहीं होने से हो गया। तो हाँ ये जो शॉर्ट्स आप देख रहे हो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ बट कैमरा जूम ऑन इन होगा कि नहीं पता नहीं। तो इसको इधर पे ऐसे करके सेट करना है, इसको आपको घुमाना होगा, ऐसे ऐसे करके घुमाना होगा, और चिंता मत करिए टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, इसको आपको लगाना है। अभी मैंने इसको ऐसे किया, उसके बाद इसको ये आपको हाथ से घुमाना होगा, ये उसको आपको मेजर करना होगा, नहीं तो देखिए कैमरा ऐसा होता रहेगा तो आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकोगे। तरीका है तो ये घुमाइएगा मत, ये आपको नहीं मिलता है बाद में, फिर से आपको ख़रीदना होगा बहुत देखे। तो हाँ, और एक बात, ये HD है, मतलब वो तो बोला ये स्क्रीन टच वर्शन है आपका। और अभी हम इसका बैटरी खोलते हैं, तो बैटरी खोल गया डायरेक्ट, अभी आपको ये पकड़ के निकालना है बैटरी से, ये जो दिख रहा है आपको, मैं इधर से निकालते हैं बैटरी, ये रहा बैटरी। कैमरा को रखते हैं साइड पे, तो इधर पे दिखा दूँ, जैसे मैंने बोला था ये आपका रिचार्जेबल एलायन लियोन बैटरी पैक है, 3.7 वोल्ट का लियोन प्रो बैटरी है, और ये 1350 mAh 495 वाट का है, आप लोग देख सकते हो, मैं जूम इन कर रहा हूँ पर अभी मेरा कैमरे का पता नहीं क्या हो रहा है। तो
मेमोरी कार्ड लगाते हैं और कुछ शॉर्ट्स लेते हैं। चलिए तो गाइस अभी मैंने इसको कर दिया है कैमरा पे सेट। अगर आपको वीडियो पे जाना है तो मैं फिर से इसे यार ये इधर पे जाके आप फिर से नॉर्मल वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, पर अभी मुझे करना है नॉर्मल फ़ोटो। तो ये सेटिंग्स पे आपको जाना है। आप लोगों को एक बात दिखा दूँ, आप देखिए 16 मेगापिक्सल शो कर रहा है, तो आप 16 MP को कर दीजिए क्लिक। उसके बाद आपको नॉर्मल वीडियो जाना तो वीडियो शूट कर सकते हो, पर अभी 4K 30 है, बस सबको इधर पे शो कर रहा है। देखिए मैं इसको टैप किया, नॉर्मल फ़ोटो पे किया 16 मेगापिक्सल। सेटिंग पे जाइए, रिजोल्यूशन पे जाइए, ब्लर हो रहा है, रुकिए मैं दिखा दूँ। ये 16 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 12, 8, 5, 3, अब तक 3 है, मुझे 8 मेगापिक्सल तक होगा। जो भी है हम 16 मेगापिक्सल का आपको दिखाएंगे, रिजोल्यूशन 16 मेगापिक्सल सेट है। तो ये अभी कुछ शॉर्ट्स लगते हैं। आप डायरेक्ट कितने शॉर्ट्स ले सकते हो उधर में दिखा रहा है आपको, 4849 फोटोज आप क्लिक कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने जो मेरा मेमोरी कार्ड है इसमें आपका है 32 GB का सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड है, क्लास 10 का मेमोरी कार्ड चाहिए, और इसमें वाईफाई भी है। तो इसका एक ऐप भी है, वो ऐप बाद में बात करेंगे, पहले कुछ फ़ोटो कुछ शॉर्ट्स ले लेते हैं, वो आप लोग देखिए। उसके बाद मुझे जो उसके मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी आपको बताएंगे। तो गाइस इस कैमरे रिलेटेड मुझे कुछ बात अच्छा नहीं लगा है, जैसे कि आप इस पे एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते हो, तो ये सच कहूँ तो बहुत ही गंदा डाउनग्रेड में मैं इसको बताऊँगा। इंटरकेस 4-स्टार रेटिंग है, बट मैं इसको 3-स्टार दूंगा, अमेजोन के बेसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ऐसे मुझे सब कुछ ठीक लगा इसकी, ये 2 घंटे तक कॉन्सेंट 1 आवर 50 मिनट्स इजीली रिकॉर्ड कर लेता है, पर कभी कभी अगर आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो तो बैटरी इजीली ड्रेन होता है, वो तो होगा ही ना, ऊपर से वीडियो आपको 1 सेकंड पे दिखा भी देता है, तो वो एक दिक्कत है। जो मैं टूरिंग वगैरह करता हूँ उस पर अगर वॉइस आप लोगों को भी बहुत कम आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ माफ़ करेगा, तो वो एक दिक्कत है। मैं सोच रहा हूँ एक नई एक्शन कैमरा के साथ जाने के साथ, फिलहाल तो इसी से काम चला रहा हूँ और ये अच्छा भी है। अगर इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लगा सकता हूँ तो सच कहता हूँ भाई मैं जल्दी लगाऊंगा, कि आप लोगों को क्वालिटी अच्छा है। बट जिस लोगों ने ये कैमरा बाय किया है और आप लोग सोच रहे हो कि ये कैमरा बाय करें इमरजेंसी, तो प्लीज़ आई होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। तो पहले सब कुछ देख लीजिए, करिए कहीं भी जाइए, अपना हेलमेट सेफ्टी गेयर्स पहन के जाइए, आपके पास है नहीं तो कोई ना, पर हेलमेट पहन के निकलिए, क्योंकि मैटर नहीं करता आपके पास कौन सा व्हीकल है, कितना सीसी का बाइक हो, पर हेलमेट आपको सिक्योर और सेफ्टी रखेगा जैसे भी हो, तो वो मैटर करता है। और हाँ, कोई ज़्यादा में ऐसे तो चलाने का कोई प्लान भी नहीं है, पर तभी आपको बता दूँ, हम एक यूट्यूबर का ब्लॉग कभी कभी देखते हैं, SBN ब्लॉग है उसका, तो उसका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, भाई जल्दी ठीक हो जाए। अगर आप लोग उसके सब्सक्राइबर्स देख रहे हो या उसके कुछ दोस्त देख रहे हो तो प्लीज़ कुछ हो तो मदद करने की कोशिश करिएगा, अपन से जितना कुछ दे सकते तो देने की कोशिश अपन भी करेंगे, आप लोग भी करिए, उनका चैनल पर जाके देख लीजिए। लिंक वगैरह तो मैं कोई देखेगा अभी नहीं, तब भी वीडियो पे देख रहे हो तो बता दो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, द बिगेस्ट एडवेंचर इज टू लीव द लाइफ एंड फुलफिल योर ड्रीम। तब तक के लिए टाटा बाय।